सो वी विल कंटिन्यू विथ लाइव प्रोसेसेस पीपल आर ठीक है एंड इन लाइव प्रोसेसेस ओके अ पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड सो वी हैव सीन दैट इन ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन इज कैरिड बाय जस्ट वन मीडियम दैट इज ब्लड ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम और यही ब्लड जो है तो हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को भी और ऑक्सीजन को भी कैरी करता है इस न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोड्यूस होता है एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज यूज्ड बाय ऑल द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिविटीज ठीक है ओके सो पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड ओके सो अ पंपिंग ऑर्गन इज बेसिकली नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी अलॉन्ग विद अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच द टिश्यूज ठीक है जैसे देखो आपके बिल्डिंग में भाई साहब क्या होता है पहले पानी आता है ठीक है इस पानी को भाई साहब एक पंप से ऊपर चढ़ाया जाता है टंकी में फिर वहां से नेचुरल फ्लो होता है वो आपके सब घरों में जाता है राइट दैट्स द वे ठीक है सो अंटिल अनलेस द पंप इज नॉट अगर पंप वर्किंग करेगा तो ही आप चढ़ा पाएंगे उसको है ना वरना तो चढ़ा नहीं पाएंगे तो यही सेम चीज हमारी भी होती है अ पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी इस पूरे ब्लड को हम पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी विद अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज सारे टिश्यूज में ये भाई साहब पहुंचता है ठीक है सारे टिश्यूज में पहुंचता है ओके सो आपका देखो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है दीज आर बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दीज आर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स ठीक है ये पूरे तो एंड द ब्लड वेसल्स होते हैं तो हमारे देखो ब्लड वेसल्स में क्या क्या है आर्टरीज हैं वीन्स हैं कैपिलरीज हैं ये सारे आपके ब्लड वेसल्स हैं सो दीज आर ब्लड वेसल्स तो ये हो गया आपका हार्ट द अरोटा डिवाइड्स टू फॉर्म आर्टरीज तो आपका अरोटा जो है तो भाई साहब डिवाइड होता है अरोटा क्या होता है आर्टरी इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ठीक है सो दिस अरोटा बेसिकली डिवाइड्स टू फॉर्म आर्टरीज ये अरोटा मेन अरोटा है यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो जा रहा है ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पूरे बॉडी में सप्लाई होगा ठीक है दिस इज द मेन अरोटा ये डिवाइड होगा आर्टरीज में ठीक है अलग अलग आर्टरीज में डिवाइड होगा ठीक है ऑन रीचिंग द टिश्यूज द आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज बहुत थिन कैपिलरीज बन जाएंगे तो ये टिश्यू है उसके आजू बाजू में ऐसे कैपिलरीज होंगी बहुत थिन ताकि उस कैपिलरी में से आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जावे किसमें सेल में और सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड आए वो आए ब्लड में ठीक है ओके सो ये हो गया आपका देखो कैपिलरीज तो आर्टरी द मेन अरोटा डिवाइड्स इनटू आर्टरीज द आर्टरी डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज ठीक है थ्रू विच द ब्लड एक्सचेंज बेसिकली टेक्स प्लेस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज तो यहाँ पे थिन वॉल्स होते हैं बेसिकली कैपिलरीज के बहुत थिन वॉल्स ये आपके सेल्स हैं देखो और ये आर्टरीज और इसमें से भाई साहब आपका एक्सचेंज हो रहा है ठीक है देयर इज एक्सचेंज दैट इज हैपनिंग तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है द कैपिलरीज जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द वीन्स which take the blood away from the organ towards the heart. तो ये भाई साहब क्या करेंगे भाई साहब they will basically form veins. और ये veins क्या करेंगे they will take the blood away from the heart. ठीक है ये आपका vein है. The blood vessels, arteries, veins, ठीक है carries blood away from the heart. Arteries basically carry away from the heart and veins carry blood to the heart. Brings blood to the heart. आपके दो veins हैं क्या क्या है superior vena cava, inferior vena cava. Superior vena cava brings deoxygenated blood from the position of the body above the heart and inferior vena cava brings in deoxygenated blood from the position of the body below the heart. ठीक है आर्टरीज आपका मेन अरोटा होता है उस अरोटा से आर्टरीज डिवाइड होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका डिवाइड होकर सारे जगहों पे सारे टिश्यूज पे पहुंचता है अंटिल एंड अनलेस दिस ब्लड इज रीचिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आर बॉडी एंड टिश्यू द टिश्यूज विल नॉट वर्क दे विल नॉट बी एबल टू ऑक्सीडाइज फूड एंड हैव टू टॉलरेट हाई ब्लड प्रेशर तो देखो आपकी जो आर्टरीज होती है ना इसमें पंपिंग हो रही है और फटाक से ब्लड जा रहा है ना तो आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर रहता है ठीक है ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं अगर गलती से आर्टरी कट गई ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है क्योंकि अगर आर्टरी कट जाती है तो उसमें बहुत प्रेशर से खून बहेगा और ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि पेशेंट का जान बचाना मुश्किल हो जाएगा ठीक है वीन्स में प्रेशर कम हो जाता है वीन्स आर बेसिकली कैरिंग ब्लड टू द हार्ट आर्टरीज आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ये पंप हुआ फट से हार्ट ठीक है और ये फवारा निकला एकदम से ब्लड का फवारा निकला वो आर्टरी से जा रहा है तो हाई प्रेशर में रहेगा ये सारे बॉडी में घूमने के बाद वो वीन्स से होते हुए फिर से वो आएगा हार्ट में
कोई वीन अगर कट जाता है हमारा तो शायद हम बच जाएं, लेकिन अगर कोई आर्टरी कट जाता है तो बचना मुश्किल है। ठीक है, आप सुनते ही होंगे भाई साहब सुसाइड वाले ऐसे काटते हैं। ठीक है, वो जो काटते हैं बेसिकली वो क्या काट रहे हैं, वो आर्टरी काट रहे हैं और इसमें से पूरा खून बह जाएगा। ठीक है, इन नो टाइम द पर्सन विल डाई। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हैव टू टॉलरेट हाई प्रेशर। ठीक है, वीन्स ब्रिंग ब्लैक brings back blood to the heart, do not tolerate high pressure. Veins में आपका high pressure नहीं होता है, arteries में आपका बहुत high pressure होता है। ठीक है, thick and elastic walls, arteries में आपका thick और elastic walls होते हैं। देखिए, जिसमें आपका high pressure रहेगा वो obviously thick और elastic walls होगा उसमें। ठीक है, anything that will have high pressure will have to withstand the pressure। तो आपका भाई साहब ये ऐसे जा रहा है, हाई प्रेशर में जा रहा है ना, तो ये आपका इलास्टिक होना चाहिए। ये जो ब्लड वेसल्स होंगे दे शुड बी इलास्टिक टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर। ठीक है, सो दे डू नॉट टॉलरेट हाई प्रेशर। ओके, नॉन थिक वॉल्ड हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अभी आपके वीन्स जो होते हैं भाई साहब, वीन्स में देखो, वीन्स में ऐसे ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी इसमें ज्यादा हाई प्रेशर है नहीं, तो क्या होगा भाई साहब, ब्लड बैक फ्लो हो सकता है। तो इसीलिए जैसे ही इधर से चला गया टप से बंद हो जाएगा, जैसे इधर चला गया टप से। आप देखोगे आपके पैर में ऐसे वीन्स हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, आपके वीन से ये ब्लड जा रहा है कहां पे, आपके हार्ट तक। ठीक है, सो इन वीन से जैसे ही ब्लड ऊपर चढ़ रहा है टप से बंद हो जाता है, जैसे ही थोड़ा ऊपर चढ़ टप से बंद हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक फ्लो हो जाएगा वरना। ठीक है, दिस विल बेसिकली, तो ये आपके वीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ब्लैक, जैसे ही ब्लड गया ऐसे टप से बंद हो जाएगा, जैसे ही ब्लड ऊपर गया फिर टप से बंद हो जाएगा, सो दैट इट इज नॉट गोइंग बैक। ठीक है, ये हो गया आपके आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज और वीन्स में भाई साहब होती हैं कैपिलरीज। आर्टरीज और वीन्स के दरमियान ऐसे फाइन कैपिलरीज होते हैं, एंड दीज कैपिलरीज बेसिकली डू व्हाट, दे सराउंड द सेल्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का भाई साहब एक्सचेंज होता है। ठीक है, आर्टरीज एंड वीन्स, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करेंगी भाई साहब, दे विल पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वीन्स क्या करेंगी, ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, आर्टरीज दे पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Veins, what they will do is they will pump the blood from different parts of the body to the heart. ठीक है, blood is under high pressure. तो blood आपका बहुत high pressure में है. Blood is not under high pressure. ये blood जो है तो आपके high pressure में नहीं है. Thick and elastic walls. ठीक है, तो ये elastic walls हैं ये. These are thick and elastic walls to withstand the high pressure of the blood that is flowing through them. These have thin wall and less elastic. इनका उतना ज़्यादा elastic होने की ज़रूरत नहीं है. They have thin walls and they are less elastic as well. ठीक है. Walls are absent. इनमें walls नहीं होते हैं. Walls are present to prevent backflow. तो आपका walls present रहेगा to prevent backflow. ठीक है. Carry oxygenated blood except pulmonary artery. They carry oxygenated blood except pulmonary artery. Carry deoxygenated blood except pulmonary veins. Okay. देखो, simple definition में अगर हम देखेंगे, तो anything that carries any blood vessel that carries blood away from the heart is known as an artery. अभी आप देखो heart पे आओ. हार्ट से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, लेकिन हम उसको आर्टरी बोलेंगे. ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे एक एक्सेप्शन बोल रहे हैं. यहां पे आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, ज्यादा करके आर्टरी में क्या जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन ये क्या होगा, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ठीक है, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुलमोनरी वीन्स. तो यहां पर भाई साहब आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड होंगे. ठीक है, क्लियर. सो ये हो गया आपका प्योर ऑक्सीजन, हो गया आपका इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड. प्योर ऑक्सीजन हो गया आपका इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड. डबल सर्कुलेशन, तो आपका भाई साहब यहां पे हो रहा है डबल सर्कुलेशन. ठीक है, ये हो गया आपके लंग के कैपिलरीज, ये हो गया आपके पुलमोनरी वीन्स फ्रॉम लंग्स, ये हो गया अरोटा टू बॉडी, कैपिलरीज इन द बॉडी पार्ट ऑफ फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, तो कैपिलरीज हो गई आपके बॉडीज की, कैपिलरी इन द बॉडी पार्ट फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, ये हो गया अरोटा टू बॉडी, पुलमोनरी वीन्स फ्रॉम लंग्स, और ये हो गया आपके लंग के कैपिलरीज. ठीक है, दीज आर बेसिकली कैपिलरीज. तो आपका ये जो रेड वाला होता है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू वाला होता है दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज डूइंग व्हाट, दिस इज इंश्योरिंग दैट देयर इज गुड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड. ठीक है, तो आपके ये सब भाई साहब देखिए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हो गई. ठीक है, आर्टरीज और वीन्स के बीच. ओके, सो वी विल कंटिन्यू विथ
heart is a pumping organ. So when the blood flows through the blood vessels, it exerts force on the wall of the blood vessels. So आपका भाई साहब जैसे flow होगा, जोर से flow होगा और high pressure में flow होगा. So there will be a force that will be exerted on the blood vessels. So यहाँ पे देखो आपका heart है और ये heart basically pump कर रहा है blood. This blood is flowing through the blood vessels. So obviously there will be a huge amount of force that will be exerted. ठीक है? इसीलिए देखो आपका pulse feel होता है. ठीक है? You get the pulse that you, ठीक है? This pressure is greater in the arteries than in the veins. तो आपके arteries में pressure बहुत ज़्यादा होता है than in the veins. क्योंकि भाई साहब arteries में pressure बढ़ जाता है. ठीक है? The arteries will have greater amount of pressure. ठीक है? Okay. So heart is a constant pumping organ. हार्ट बीट हैज टू फेजेस. ठीक है? एक होता है आपका सिस्टोल और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है आपका रिलैक्सेशन. कभी आपने देखा है ब्लड प्रेशर आपका होता है एक हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है लो ब्लड प्रेशर. जब भी आपका ब्लड प्रेशर का रीडिंग लिया जाएगा दो रीडिंग्स आएंगी. ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर. तो एक्चुअली सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं हम. तो हार्ट का दो फेजेस होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन एक होता है रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये कंटिन्यूस चल रहा है. तो हार्ट इज इन अ कंटिन्यूअस मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. सो हार्ट का जो पंपिंग ऑर्गन है दिस इज इन अ कंटिन्यूअस मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है? सो दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल. ठीक है? और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलेंगे? डायस्टोल. ठीक है? रिलैक्सेशन इज नोन एज डायस्टोल. ठीक है? दिस इज नोन एज डायस्टोल. अच्छा, अभी अगर आप ब्लड प्रेशर माप रहे हैं तो आपके दो आएंगे. ठीक है? दो रीडिंग्स आएंगे. आर्टरी का प्रेशर मेजर होता है बेसिकली. ठीक है? ओके. कॉन्ट्रैक्शन के समय ज्यादा प्रेशर रहेगा या कम? देखो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड फवारे की तरह गया भाई साहब. ठीक है? सारे ब्लड वेसल से मतलब ये आर्टरी से फटाक से जाएगा ये. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइस्टोल में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. ठीक है? और जैसे ही हार्ट रिलैक्स करता है आपका, तो आर्टरीज में आपका खून नहीं जा रहा है उस टाइम पे, तो आर्टरीज जो है तो लो प्रेशर में आ जाएंगी. ठीक है? सो यू ऑलवेज हैव अ हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज अ लो ब्लड प्रेशर. आपकी ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स होती है वो दो टाइप की होती हैं, हायर एंड एंड लोअर एंड. ठीक है? और उनके बीच के रेंज बोलते हैं हम. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. ठीक है? डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोलिक प्रेशर ये कितना है भाई साहब आपका? 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी. ठीक है? 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी. यूनिट टू मेजर ब्लड प्रेशर. ठीक है? जस्ट वन मोमेंट. ओके, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? देखो नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के लिए सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी. ठीक है? प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? 80 मिलीमीटर ऑफ रिलैक्स. तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब रिलैक्सेशन. 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी. 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ये हो गया आपका डायस्टोलिक प्रेशर. ये नॉर्मल है. ठीक है? दिस इज बेसिकली नॉर्मल. किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग का ये प्रेशर होगा. अगर हाई प्रेशर का पेशेंट होगा तो 120 से ज्यादा जाएगा, अगर लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा तो 80 से नीचे आएगा. ठीक है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल
स्पाइगोमैनोमीटर। तो यहां से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है, स्पाइगोमैनोमीटर से हम बेसिकली मेजर करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अ सिस्टम टू रिपेयर द डैमेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ इट इज डैमेज्ड। तो आपका भाई साहब हमेशा डैमेज होता है, रिपेयर ऑफ द डैमेज नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क डैमेज हो गया है, कोई भी अंदरूनी चोट आई है, ऑपरेशन हुआ है, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड, ठीक है, तो हमारा डैमेज होता है सेल्स एंड टिश्यूज। द प्लेटलेट्स, तो जैसे आपका यहाँ पे कट गया, कुछ देर बाद खून अपने आप रुक जाएगा, अंटिल अनलेस द कट इज डीप। हु हैज स्टॉप्ड इट? डेटॉल लगाने से खून नहीं रुकता है, डेटॉल आपका एक एंटीसेप्टिक है, टिंचराइडिन लगाने से खून नहीं रुकता है, ऑल दीज आर बेसिकली एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, आपका मतलब वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, दैट इज इट, दैट इज व्हाट इट इंश्योर्स। लेकिन आपका जो ये टाइप ऑफ ब्लड सेल है, ये जो प्लेटलेट्स हैं, व्हाट डू दीज प्लेटलेट्स डू? प्लेटलेट्स भाई साहब दे इंश्योर कि आपका यहाँ पे एक नेट सा बन जाए और यहाँ से ब्लड ऊज आउट ना हो, मतलब एक छंडी बना देता है वो, और ब्लड बेसिकली आपका बाहर नहीं आता है, ठीक है। सो जैसे ही आपको कोई भी इंजरी होती है तो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स रन होते हैं, और ये प्लेटलेट्स जो है तो एक ऐसा नेटवर्क बना देंगे, इस तरीके का बहुत थिक नेटवर्क बना देंगे, ऐसा थिक नेटवर्क बना देंगे, थिक नेटवर्क बना देंगे, दे विल बेसिकली फॉर्म अ थिक नेटवर्क। सो रिपेयर ऑफ डैमेज नेटवर्क दैट इज प्लेटलेट्स, दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, ऑब्वियसली द ब्लड विल नॉट ऊज आउट। अ कट डैमेजेस द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉजेस लीकेजेस इन द क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। जैसे ही आपका भाई साहब एक कट होगा तो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, उससे प्रेशर रिड्यूस हो गया क्योंकि वहां से अभी ब्लड निकल रहा है, और अगर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो आपके हार्ट में प्रेशर आएगा, ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि रिपेयर हो, ठीक है, फटाफट रिपेयर होगा, प्लेटलेट्स विल बी सो द ब्लड प्लेटलेट्स डू द वर्क ऑफ प्लगिंग दीज लीक्स बाय क्लॉटिंग द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। अगर आप देखोगे किसी कट के बाद, कहीं भी अगर आपको इंजरी हुई रहेगी किसी कट के बाद, कुछ दिनों बाद वहां पे सूखी पपड़ियां आ जाती हैं, है ना, ब्राउनिश, वही आपके प्लेटलेट्स हैं। उनको बहुत ऐसे ग्लास से देखना तो आपको दिखेगा कि भाई साहब वो पपड़ियां जो हैं एक छन्नी की तरह हैं, ऐसे ऐसे टिश्यूज दिखेंगे आपको, यू विल एक्चुअली फाइंड टिश्यूज लाइक दिस, ठीक है। तो ये पपड़ियां बेसिकली दीज आर द वंस दैट आर देयर, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर ये प्लेटलेट्स इस खून को ना रोकें तो क्या होगा, अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, आर्टरीज में प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, ब्लड तो पूरा वहीं से निकल जा रहा है, ठीक है, ओके। सो द ब्लड प्लेटलेट्स डू द वर्क ऑफ प्लगिंग दीज लीक्स बाय क्लॉटिंग द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब पॉइंट ऑफ इंजरी हुआ एंड दिस इज व्हाट इज हैपेंड, ओके ओके ओके। ओके, सो देखिए यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है, तो एक होता है भाई साहब सर्कुलेशन किसका, वन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज दैट ऑफ ब्लड, ठीक है, वन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज दैट ऑफ ब्लड एंड द अदर टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज दैट ऑफ लिम्फ। दो चीजें हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, सर्कुलेट होती हैं, ठीक है, एक हो गया ब्लड, नाउ लेट अस लर्न अबाउट लिम्फ, ठीक है, ओके। सो ब्लड बेसिकली, ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, व्हाट आर दीज टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज बेसिकली ब्लड लिक्विड एंड सेल्स, ठीक है, लिक्विड एंड सेल्स। लिक्विड का जो कॉम्पोनेंट है वो किससे बना हुआ है भाई साहब, प्लाज्मा से बना हुआ है, ठीक है, द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, एंड द सेल्स आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। सो द ब्लड इज मेड अप ऑफ अ लिक्विड कॉम्पोनेंट विच इज नोन एज प्लाज्मा, एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ओके। तो आपका देखो मोटे मोटे तौर पे प्लाज्मा में ज्यादा करके वाटर होता है, सो इफ यू रिमूव द सेल्स फ्रॉम द ब्लड व्हाट रिमेन्स इज प्लाज्मा। अगर इन सेल्स को आप निकाल दें, इन सेल्स को आप निकाल दें तो जो रहेगा बचा हुआ ब्लड में उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। अभी समझ लो रेड ब्लड सेल क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल्स आर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन हैज टू बी कैरीड टू ईच एंड एवरी टिश्यू और सेल ऑफ द बॉडी एंड रेड ब्लड सेल्स डू दैट जॉब। WBC, white blood cells, what would they do? They are basically the fighting mechanism of the body. Okay? Platelets, what will they do? They will block any fissures. Okay? कोई भी कट हो गया तो उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, they will block any fissures. ठीक है, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वॉटर, प्लाज्मा इज प्राइमरी मेड अप ऑफ वॉटर, ठीक है, प्रोटीन्स एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स। तो आपका भाई साहब प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स, ठीक है। ये हो गया हार्ट, ये हो गया आर्टरी, ये हो गया कैपिलरी, ये हो गया टिश्यू, ये हो गया टिश्यू स्पेशियस, ये हो गया वीन, ठीक है। व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरीज
some amount of water, proteins and dissolved solutes escape out from the pores of the capillaries into the tissue spaces. ठीक है, तो जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो थोड़ा बहुत वाटर, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स एंड डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स एस्केप आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेसेस, तो इस टिश्यू में आपके भाई साहब एस्केप आउट हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन ब्लड फ्लोस, क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल होती है बहुत थिन होती है और उसमें से ये सारी चीजें सेल्स में जाती हैं जो जाना जरूरी है. ठीक है, वाटर सेल्स में जाना जरूरी है, प्रोटीन्स सेल्स में जाना जरूरी है. ठीक है, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स ये भी जाना जरूरी है, एस्केप आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेसेस. ठीक है, तो यहां पे देखो ये फैल जाएगा ये टिश्यू स्पेसेस में. दिस फॉर्म्स द टिश्यू फ्लूइड, ये आपका हो गया भाई साहब टिश्यू फ्लूइड जो बना होता है किससे, वाटर प्रोटीन्स एंड सम सॉल्यूट्स. ठीक है, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फ. It is light yellow in color. This is basically light yellow in color. So along with nutrients and oxygen which goes into the cells, some amount of proteins and water and solutes also go out and these form the fluid. They form the fluid. It is similar to blood plasma except that it has very less amount of proteins in it. तो इसमें भाई साहब प्रोटीन्स की कमी है क्योंकि प्रोटीन्स जो है तो फिल्टर आउट करके आए हैं यहाँ पे. ठीक है, ये वाला लाइट जला दो ना, एल एल देखो लिया हुआ है वहां पे. ठीक है, प्रोटीन जो है तो फिल्टर आउट करके आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस व्हिच फाइनली ओपन इनटू द वीन्स. ठीक है, तो लिम्फ बेसिकली क्या होता है भाई साहब, ड्रेन्स इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज. तो लिम्फ आपका किसमें डेवलप होगा, लिम्फैटिक कैपिलरीज में, from the tissue spaces which finally open into the veins. They will basically open into the veins. Lymphatic capillaries. ठीक है, ये आपके lymphatic capillaries हो गए. अरे भाई साहब सब बंदी होता जा रहा है ये. Okay. Okay. Plants का देखिए transport system क्या होता है. Plants में इस तरीके का transport system नहीं होता है. Plants में भाई साहब arteries नहीं होती, veins नहीं होती और कोई पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट नहीं होता. ठीक है, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होगा भाई साहब, देखिए, सो दिस इज बेसिकली द सॉइल विच विल अब्सॉर्ब वाटर एंड व्हाट विल हैपन, द सॉइल विल अब्सॉर्ब मिनरल्स एज वेल. ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, दे आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड सोडियम. ठीक है, तो ये आपके नाइट्रोजन हो गया. ठीक है, दिस इज बेसिकली नाइट्रोजन. So, ये हो गया आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया और सोडियम हो गया. ये सारे मिनरल्स हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं और प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए भी. इसीलिए जब हम प्लांट्स को खाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मिनरल्स हमारे अंदर आ जाते हैं. ठीक है, दे वुड बी रिक्वायर्ड इन सफिशियंट क्वांटिटीज. तो सॉइल से क्या क्या अब्सॉर्ब होता है, देखो वाटर एज वेल एज मिनरल्स आर अब्सॉर्ब. जाइलम टिश्यू से ये सारे ऊपर जाते हैं, दिस इज बेसिकली जाइलम टिश्यू. इससे भाई साहब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये ऊपर जाता है, राइट अप टू द प्लांट्स. ठीक है, राइट अप टू द लीव्स बेसिकली. सो जाइलम डज व्हाट, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, इन जाइलम टिश्यूज सेल्स लाइक वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो ये वाटर कंडक्टिंग चैनल्स हैं, दे विल रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, अभी फ्लोएम क्या करेगा, तो आपके लीव्स में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, फूड. तो फ्लोएम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मतलब ये भाई साहब सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, कैरीज फूड टू द अदर पार्ट. तो फ्लोएम क्या करेगा, कैरीज फूड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, हमारे बॉडी में जो काम से ब्लड करता है, जो काम ब्लड करता है, और ब्लड कहां से फ्लो होता है, आर्टरीज और वीन्स से और कैपिलरीज से. वही चीज भाई साहब, जाइलम और फ्लोएम दो ट्यूब्स होते हैं प्लांट्स में. जाइलम से भाई साहब ऊपर जाती हैं चीजें, वाटर और मिनरल्स, और एक बार जब फूड मैन्युफैक्चर हो जाता है तो वही फूड जो है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय फ्लोएम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दैट्स हाउ इट हैपेंस. दे वोंट हैव अ पंपिंग ऑर्गन. The process of transfer of water and minerals from the roots to the upper parts of the plants right up to the leaves or from the leaves the process food to the different parts of the plant, the process is entirely mechanical. Ye bhai sahab osmosis ka process hai, theek hai, this is entirely mechanical. All the parts of the plant are interconnected with these conducting tissues. Sare jitne bhi parts hain
दे आर इंटरकनेक्टेड विद कंडक्टिंग टिश्यूज. ठीक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन टू वेज, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है. तो भाई साहब आपका एक रूट प्रेशर होता है, जैसे ही प्लांट के अंदर वाटर आया. ठीक है. तो रूट प्रेशर, नाउ फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज रूट प्रेशर. ठीक है. तो आपके देखो ये प्लांट है, ये वाटर है कहां पे, सॉइल में. ठीक है. तो यहां पे देखो सॉइल में वाटर है, ये वाटर भाई साहब ऊपर जाएगा. तो सॉइल में ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर फ्रॉम द रूट्स. आपका वाटर कहां पे ज्यादा है, सॉइल में ज्यादा है, रूट्स में कम है. तो आपके ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, ठीक है, वाटर विल बेसिकली एंटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन द सॉइल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस इन द रूट्स. ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है भाई साहब, सब लोग पढ़ चुके हो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. रूट में भाई साहब सॉल्वेंट वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, कहां पे, ग्राउंड पे. तो वहां से वो फ्लो होगा कहां पे, रूट में. ठीक है. दैट विल बेसिकली, सो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर फ्रॉम द रूट्स. ठीक है. दिस इज हाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर. ठीक है. तो ये भाई साहब रूट हेयर हो गया, सरफेस सेल्स हो गया, कॉर्टेक्स सेल्स हो गया, एंड जाइलम हो गया. ठीक है. वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट हेयर, वाटर फर्स्ट एंटर्स द सर्फेस सेल्स. ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब सर्फेस सेल्स पे आएंगे, ये वाटर एंटर हुआ सर्फेस सेल्स पे. ठीक है. एंड देन इट विल बेसिकली द सर्फेस सेल्स बिकम टर्जिड. जैसे देखो आप अगर किशमिश को पानी में रख देते हैं या बादाम को भिगो के रख देते हैं, वो क्या हो जाता, फूल के ढोल हो जाता भाई साहब, है ना, टर्जिड हो गया है वो, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी. तो जैसे ही ये भाई साहब ये सर्फेस सेल्स पे आएगा, ये रूट हेयर ने वाटर को अब्सॉर्ब किया, ये भाई साहब जाएगा सर्फेस सेल्स में, और सर्फेस सेल्स क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम टर्जिड, मतलब ठोस हो जाएंगे. ठीक है. एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द नेबरहुड कॉर्टेक्स सेल्स, सो दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कॉर्टेक्स सेल्स. नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, सो कॉर्टेक्स सेल्स पे भाई साहब प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है. दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस वॉटर एंड मिनरल्स आर पुश्ड इन टू द नेबरिंग सेल्स. तो यहां से भाई साहब वॉटर एंड मिनरल्स किस में जाएंगे भाई साहब, नेबरिंग सेल्स में जाएंगे. ठीक है. दे विल, तो यहां पर प्रेशर क्रिएट हुआ, टर्जिड हो गया मतलब पुश कर रहा है ना भाई साहब, ये वॉटर इसमें पुश हो गया अभी. ठीक है. तो आप देखोगे पूरा प्रोसेस जो है वॉटर के मूवमेंट का, दैट इज एंटायरली मैकेनिकल. इन प्लांट्स द एंटायर मूवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स इज प्योरली एंड प्योरली मैकेनिकल. देर इज नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक, देर इज नो हार्ट, देर इज नो पंपिंग ऑर्गन लाइक हार्ट, देर इज नो आर्टरीज, देर इज नो वेन्स, नथिंग. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. ओके. सो दिस बेसिकली मूव्स इन देयर. Now what will happen? The neighboring cells become turgid and exert pressure on the adjacent cells. Again, भाई साहब ये turgid हो गए. अभी ये क्या करेंगे? They will push again. ठीक है? यहाँ पे भाई साहब ये turgid हो गया, इसने इसको push किया, ये turgid हो गया, इसने इसको push किया, and so on and so forth. They keep on pushing. ठीक है? Okay. So इसने भाई साहब इधर push कर दिया इसको, इसने भाई साहब इधर push कर दिया इसको. ठीक है? Thus the minerals and water reach the xylem and is pushed further and further. तो आपका भाई साहब जाइलम में पहुंच जाता है और ये फर्दर और फर्दर ऊपर जाता रहता है. ठीक है. इट फाइनली रीचेस द जाइलम एंड इज पुश्ड फर्दर एंड फर्दर. दिस स्टेडी मूवमेंट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड्स. तो आपका भाई साहब एक कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट होता है और धीरे 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 ये ऊपर जाता रहता है. ठीक है. दिस विल कीप ऑन मूविंग अपवर्ड्स. ठीक है. अरे यार कितना हो गया भाई साहब. Okay. So root pressure is adequate to move water only in small plants like herbs and shrubs and small trees. तो इस root pressure के वजह से, ठीक है भाई साहब, adjacent cells पे ऊपर, लेकिन ये छोटे छोटे plants के लिए ठीक है. बड़े बड़े plants जो आपके बहुत height वाले plants होते हैं या trees होते हैं, उसमें सिर्फ root pressure से ऊपर तक पानी नहीं जा सकता. So we will require something else. अभी देखो ये जो leaves होते हैं, अरे यार, ठीक है, ये जो आपके leaves होते हैं, इनमें stomatal openings होते हैं, और ये stomata से water loss होता है. क्यों? क्योंकि आपका भाई साहब जो अगर देखेंगे आप 6CO2 plus 6H2O, ये आपका क्या बनाता है भाई साहब, C6H12O6 plus 6O2. तो इसमें से आपका भाई साहब O2 जाता है,
लेकिन ये जो वाटर ऊपर गया है ये पूरा का पूरा वाटर फूड बनाने में यूज नहीं होता है। थोड़ा बहुत वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब, वाटर वेपर से ये इवेपोरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो ये रेन्स होता है, रेन्स हम लोग बोलते हैं ना, ट्रीज लगाइए वरना रेन्स होना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रेन्स होते हैं वो सिर्फ सी वाटर से इवेपोरेट होकर नहीं आते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा आपका ट्रांसपिरेशन का वाटर वेपर है। ये जो जितने भी ट्रीज हैं उसमें से जो वाटर वेपर का लॉस हो रहा है उसमें से ये वाटर वेपर ऊपर जाकर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन से काफी सारा वाटर वेपर का लॉस होता है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप देखो, समझ लो कोई पाइप है, पाइप, ठीक है, उस पाइप को आपने बाल्टी में डाला, अभी इस पाइप से आपको पानी चढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दिस, बिकॉज अंटिल अनलेस द वाटर कम्स आउट ऑफ द पाइप द वाटर विल नॉट कम आउट, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका वाटर वेपर है ये जब तक भाई साहब स्टोमाटल ओपनिंग से निकलता रहेगा वाटर का प्रेशर बना रहेगा और वाटर भाई साहब ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल, और रूट प्रेशर से भाई साहब छोटे छोटे प्लांट्स तक ऊपर तक पानी जा सकता है, लेकिन नॉट इन बिगर प्लांट्स। फॉर बिगर प्लांट्स यू वुड नीड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल इज बेसिकली फ्रॉम द स्टोमाटल ओपनिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन एंड द सेम टाइम सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गोज आउट एंड दिस क्रिएट्स अ ट्रांसपिरेशनल पुल। दिस विल बेसिकली क्रिएट अ ट्रांसपिरेशनल पुल। तो आपका देखो ये वाटर ऊपर जाता रहेगा। रूट प्रेशर इज एडिक्वेट टू मूव वाटर ओनली इन स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड श्रब्स और वेरी स्मॉल ट्रीज। हाउएवर इट इज नॉट एनफ टू मूव द वाटर इन टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज में भाई साहब ये ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। Thus, then how is it water transported in tall trees? Tall trees में कैसे water transport होगा? Transpiration pool से। Transpiration pool is what? That is basically loss of water vapor. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब देखो stomatal openings हैं, epidermal cells हैं, xylem in leaves हैं, ठीक है। So what will happen? They will continuously lose water. Xylem in stem हो गया, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब xylem in root. तो the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plants like leaves is known as transpiration, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? Loss of water हो रहा है in the form of water vapor from the aerial parts of the plants. Aerial parts of the plants is called transpiration. First, water will evaporate from the epidermal cells, ठीक है। ये epidermal cells जैसे sunlight हो गया भाई साहब, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है भाई साहब? क्या कर रहा है? This is basically evaporating the water. This leads to decrease in water potential in the epidermal cells. तो epidermal cells में water की कमी हो जाएगी। अभी इस कमी को पूरी करने के लिए भाई साहब roots से ये pull out होगा। जैसे आप pipe से पानी को खींच रहे हैं, ठीक है, वैसे ही इन leaves से जाता हुआ water vapor भाई साहब roots से water को ऊपर तक खींच रहा है, ठीक है। The same mechanism है, ठीक है। So water molecules will go. Now what will happen? Again, these water molecules will come. ये water molecules कहाँ से रहे भाई साहब? All the way up from the roots, ठीक है? This creates a suction pull. Suction pull मतलब वही है, same जो आप मतलब पानी को खींच रहे हैं pipe से, that is basically suction pull only. That is called suction pull, ठीक है? So this again creates a suction pull which pulls water from the xylem of the stem. ठीक है, xylem of the stem, and again pulls water from the xylem of the roots. ठीक है, because of these the roots absorb more water. तो roots ज़्यादा water absorb करते हैं. This pull is called transpirational pull. It helps in transport of water and minerals in tall plants during day when the stomata are open. तो during the day आपका भाई साहब tall plants में पानी ऊपर continuously चढ़ता रहेगा, ठीक है, अपने आप चढ़ता रहेगा. विदाउट अ हार्ट द वाटर इज मूविंग. तो आपका देखो ये रूट से अब्सॉर्ब होता हुआ भाई साहब पूरा पूरा लीव से कंटिन्यूअसली वाटर जा रहा है, तो इट इज मेंटेनिंग अ सक्शन पुल, ठीक है. तो ये आपके लीव्स हो गए भाई साहब. फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल्स ऑफ द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द प्लांट. तो जितना भी फूड मैन्युफैक्चर हुआ है भाई साहब, ठीक है, फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल्स ऑफ द लीव्स is transported to each cell of the plant. हर एक cell में ये transport होगा, ठीक है, ये food है, देखिए. Besides amino acids, excess of food is stored in storage organs. तो आपके कुछ storage organs जैसे आलू, ये बहुत सारे आपके storage organs होंगे, जैसे beet, ये सब आपके food को store कर रहे हैं, ठीक है. तो आपका stem हो गया, ठीक है, roots हो गए, all these are basic. This is done by phloem in both upward and downward direction. तो ये transport of food हो रहा है, ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फिलोएम टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड टू द डाउनवर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है.
ट्रांसलोकेशन, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, हो गया आपका फिलोएम. ट्रांसलोकेशन इज व्हाट, सो जाइलम, ये हो गया फिलोएम, ये हो गया आपका लीफ सेल. लीफ सेल से भाई साहब फूड मैन्युफैक्चर होके किस में आता है, फिलोएम में, और फिलोएम से भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट होता है राइट अप टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू द रूट सेल्स. जाइलम में क्या होता है, वन वे डायरेक्शन है भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाता है. पानी एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट. ठीक है, फिलोएम में भाई साहब क्या होगा, फिलोएम में आपके जो सक्रोज बेसिकली इज व्हाट, अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स, सो दिस गोज इन एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स. ठीक है, इससे भाई साहब एटीपी बनेगी. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, दिस रिक्वायर्स एनर्जी. फूड मटेरियल्स लाइक सक्रोज इज ट्रांसफर्ड टू फिलोएम, दिस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दिस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस. तो आपका भाई साहब वाटर इसमें जाएगा, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द सेल्स. भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर गया, प्रेशर बढ़ जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, ये पुश आउट हो जाएगा. ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पुश आउट होगा. ठीक है, सो इट विल मूव बोथ अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स. ठीक है, दिस इज गोइंग टू मूव, ये आपके ऊपर नीचे सब जगह जाएंगे. दिस अलाउज द फिलोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स. तो यहां पे भी भाई साहब प्रेशर बढ़ गया, जिसके वजह से प्लांट नीड्स. इन द फ्लावरिंग सीजन शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स और स्टेम इज ट्रांसलोकेटेड टू द बर्ड्स फॉर ग्रोइंग देम इनटू फ्लावर्स. अभी देखो जब फ्लावरिंग सीजन होता है, ठीक है, तो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आएगी, ये रूट सेल से, फिर से लीव्स में, और बर्ड्स होते हैं यहां पे. देखो जैसे ऐसे बर्ड्स होंगे, ये आपका लीव है, यहां पे एक बर्ड निकला. अभी इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आपके रूट्स में जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड सक्रोज है, दिस विल मूव ऑल द वे अप टू सप्लाई द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्योंकि इन बर्ड्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, तभी जाकर ये फूल बनेंगे, और उस फूल से ही भाई साहब फ्रूट्स बनेंगे. ठीक है, सो दैट इज इन द फ्लावरिंग सीजन द शुगर विच इज स्टोर्ड इन द रूट्स और द स्टेम्स इज ट्रांसलोकेटेड, इट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड टू द बर्ड्स फॉर ग्रोइंग देम इनटू फ्लावर्स. और इन्हीं फ्लावर्स का भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें, सो दिस एनर्जी बेसिकली कम्स, दिस ग्रोज इनटू अ फ्लावर, द इंसेक्ट्स कम हियर, पॉलिनेशन हैपेंस, पॉलिनेशन के बाद भाई साहब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से बनेगा फ्रूट्स एंड सीड्स. ठीक है, ओके ओके ओके. एक्सक्रीशन, अभी हम लास्ट प्रोसेस पे आ रहे हैं. देखो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल. ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शन जनरेट होगा और इसका एक वेस्ट जनरेट होगा. केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग इन द सेल्स, सो आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कैरीड टू द सेल्स बाय द ब्लड. तो भाई साहब ब्लड कैरी करता है भाई साहब फूड को. ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली फूड विच इज कैरीड, ठीक है, बाय द सेल्स टू द ब्लड. एंड ऑब्वियसली इनसाइड द सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, तो ये आपका एटीपी है विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, बट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये तीनों चीजें हमारे बॉडी से बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि इफ दे आर रेंडर्ड इन द बॉडी देन इट विल मेक द बॉडी टॉक्सिक. ठीक है, हमारे सेल्स बेसिकली पॉइजनस हो जाएंगे. ठीक है, तो आपका बट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेज इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज हार्मफुल सब्सटेंसेज. ठीक है, यूरिया, यूरिया तो जो हम रिलीज करते हैं, ठीक है, जो पॉटी होता है वो यूरिया हो गया. यूरिक एसिड मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. छिपकली की पॉटी देखी है, नहीं देखी है, क्या देखते हो जीवन में पता नहीं. तो छिपकली की पॉटी अगर आप देखोगे ऐसा ब्लैक कलर का होता है और उसमें ऐसा मुंडी सा एक वाइट कलर का होता है. ठीक है, दैट इज देयर. कबूतर की पॉटी तो देखी होगी, व्हाइटिश कलर का पॉटी. ठीक है, तो व्हाइटिश कलर का पॉटी जिसका होता है उसमें यूरिक एसिड कंटेंट ज्यादा होता है. ठीक है, यूरिक एसिड इज दैट. कुछ ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं इन देयर वेस्ट. हम यूरिक एसिड नहीं रिलीज करते हैं. ठीक है, इन इन वेस्ट, बट यूरिक एसिड रिलीज होती है इनकी. ठीक है, ये जो आइसिंग ऑन द केक होता है इसको हम बोलते हैं भाई साहब यूरिक एसिड. ठीक है, सो आपका जो कबूतर का पॉटी होता है उसमें भी भाई साहब यूरिक एसिड होता है, दैट इज द व्हाइटिश कलर कमिंग फ्रॉम. ठीक है, एंड अमोनिया, अमोनिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते. ज्यादा करके जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मछली वगैरह, ठीक है, वो लोग अपने वेस्ट को अमोनिया से रिलीज करते हैं. अमोनिया एज अ वेस्ट जो होता है वो तभी रिलीज हो पाएगा जब जो ऑर्गेनिज्म हो उसके आजू बाजू बहुत सारा वाटर हो.
ठीक है। तो अमोनिया जो वेस्ट रिलीज करता है उसको हम क्या बोलेंगे, अम्यूनोटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। जो वेट को भाई साहब यूरिक एसिड में रिलीज करता है उसको हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और जो भाई साहब यूरिया में, तो दिस इज नोन एज यूरियोटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। हम बेसिकली यूरियोटेलिक हैं, ठीक है। फिशेज एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर अम्यूनोटेलिक, ठीक है। हार्मफुल प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी मे कॉज सीरियस डैमेजेस समटाइम्स लीडिंग टू डेथ। आपने सुना रहेगा कोई किसी का डेथ हो गया क्योंकि उसकी किडनी फेल हो गई। किडनी फेल हो गई तो मतलब क्या हो गया, अभी बॉडी से वेस्ट नहीं निकल रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, दैट वेस्ट विल बेसिकली गो इनटू द ब्लड, इनटू द टिश्यूज एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो इंसान मर जाएगा, ठीक है, दैट पर्सन विल डाई लीडिंग टू डेथ, ठीक है। देयरफॉर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी सो द ब्लड कैरीज देम टू द किडनीज, किडनीज में जाता है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, नाउ किडनीज में क्या होता है, किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स, हमारे यहाँ पे होते हैं किडनीज, ठीक है। सो दीज आर द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारे ब्लड में से जो फिल्टर आउट होता है यूरिन, वो हमारे बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। द यूरिन जो होता है हमारे, वो बॉडी के ब्लड से निकला हुआ वेस्ट है। और आप देखोगे किडनी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है, ठीक है। उसमें भाई साहब 400 दफे ब्लड जा रहा है पूरे दिन में, और उसमें से वो फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है, यूरिन, ठीक है। दैट इज बेसिकली यूरिन। सो यूरिन इज नथिंग बट द वेस्ट विच हैज बीन फिल्टर्ड आउट फ्रॉम योर ब्लड। अगर यही यूरिन रह जाता है, किडनी फेलियर जिनका होता है, तो ये यूरिन ब्लड में रह जाता है और फिर वो पूरे बॉडी को टॉक्सिक बना देता है, ठीक है। द एंटायर बॉडी बिकम्स टॉक्सिक। सो दिस इज यूरिन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स वॉट, अ पेयर ऑफ किडनीज। फ्रॉम द किडनीज टू थिन ट्यूब्स कम आउट, दीज आर नोन एज यूरेटर्स, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर्स। बोथ द यूरेटर्स ओपन इन अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल यूरिनरी ब्लैडर। इसमें भाई साहब यूरिनरी ब्लैडर होता है। द यूरिनरी ब्लैडर ओपन इन टू अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। ये भाई साहब यूरेथ्रा में ओपन होता है, ठीक है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज बेसिकली किडनीज, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये आपके भाई साहब, एंड दिस इज बेसिकली द यूरेथ्रा, ठीक है। ओके, दिस इज द डायग्राम, किडनी हो गया ये, दिस इज यूरेटर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा, ठीक है, दिस इज द यूरेथ्रा। ओके, सो दैट इज बेसिकली द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द किडनीज इज कॉल्ड द रीनल आर्टरी। तो जो आर्टरी भाई साहब ब्लड कैरी करता है किडनीज तक, उसको हम क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज द रीनल आर्टरी। द वीन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द किडनीज इज कॉल्ड द रीनल वीन, इसको हम बोलेंगे रीनल वीन, ठीक है, दिस इज नोन एज द रीनल वीन। तो आपका भाई साहब ये एक किडनी दिखेगा, दिस इज हाउ अ किडनी विल बेसिकली लुक लाइक। द ट्रायंगुलर रीजन, आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द किडनी मेड्यूला, इसको हम बोलेंगे किडनी मेड्यूला, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द मेड्यूला, इस रीजन के आउटसाइड जो होता है उसको हम बोलते हैं किडनी कॉर्टेक्स, दिस इज नोन एज द किडनी कॉर्टेक्स। दिस इज द रीनल आर्टरी, दिस इज द रीनल वीन, दिस इज द रीनल वीन, ठीक है। द रीजन वेयर द यूटर बिगिंस, यहाँ पे यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस, दिस इज नोन एज द यूरेटर, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है ये, इस साथ धनाधन खत्म हो जाए।